स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग वर्क और एनर्जी में कोलिजन पढ़ रहे हैं। कोलिजन में आज हम थोड़ा सा एक बात करना चाहते हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें टक्कर के बाद दोनों बॉडीज स्टिक कर जाती हैं, उसके में उसी के केस में एक हम पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक पेंडुलम। बैलिस्टिक पेंडुलम जो है, हमें इसे करना है। बैलिस्टिक पेंडुलम ये एग्जाम्पल है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, बैलिस्टिक पेंडुलम पर आप मन में आएगा कि सर इसका इस्तेमाल क्या है। इसका इस्तेमाल ये है, एक्चुअली इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे बुलेट है बेटा, गोली है जो गन से निकलती है, उसकी स्पीड निकालनी हो बैलिस्टिक पेंडुलम का इस्तेमाल करें, आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या, आप ध्यान रखिएगा, बैलिस्टिक पेंडुलम में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें एक वुडन ब्लॉक को एक लाइट स्ट्रिंग से हैंग किया जाता है। देखिएगा, ये वुडन ब्लॉक है, ये लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड। इस वुडन ब्लॉक का मास कुछ है, देखिएगा, मान ले इसका मास M2 है और ये बुलेट आ रही है। बेटा देखिए, बुलेट है, इसका मास M1 है और इसकी स्पीड U1 है। हमें यही पता करना है, बिकॉज इट इज यूज टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी हमें बुलेट की स्पीड निकालनी है। क्लियर, ये रेस्ट में है, ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत में ये रेस्ट में है, जो ब्लॉक है इट इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी इसकी स्पीड शुरुआत में क्या है, 0 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बिफोर कोलिजन ये स्थिति है, ठीक, आफ्टर कोलिजन व्हाट विल हैपन, आप देखिएगा, ये मास M2 था, ये स्ट्रिंग को हम लेंथ यहां से, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, बुलेट आएगी और इसमें धस जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं बुलेट को धसा रहा हूं तो इसका मतलब है टक्कर के बाद है। जब बुलेट इसमें धसेगी तो बुलेट की स्पीड की वजह से ये सिस्टम एक स्पीड, यानी एक डेफिनेट स्पीड से आगे बढ़ेगा। और उसके बाद ये सिस्टम, मान लीजिए ये पॉइंट ए था, ये ए के इक्विवेलेंट था, ये यहां से जाता हुआ ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा यहां पर, और इस जगह जाकर के एक क्षण मात्र के लिए रुकेगा। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज जब ऊपर जाएगी बेटा तो क्षण मात्र के लिए रुक जाती है। क्लियर, तो जब ये रुकी तो इसका मास M2 आपको पता है, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि यहां पे थोड़ी देर के लिए रुका। ठीक है, अब जब यहां पर ये रुका तो इसके अंदर बुलेट मौजूद है, इसका मास M1 भी मौजूद है, ये आया। जब ये ब्लॉक ए स्थिति से बी पर गया तो ध्यान रखना, इसने कुछ वर्टिकल हाइट कवर किया है, तो सम वर्टिकल हाइट इज कवर्ड। तो मान लीजिए जब ये यहां से गया, यहां तक गया, तो ये इस पॉइंट के इक्विवेलेंट था, यानी इसने जो हाइट कवर की वो एच के बराबर है, सपोज कवर्ड हाइट। तो ये ऊपर जब गया यहां और जाके रुका तो इसका मान लेते हैं हाइट जो है वो एच के बराबर है। ठीक है, आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। स्ट्रिंग की लंबाई ये एस मान ले सपोर्ट, तो यहां से यहां तक इसकी लंबाई अगर एल थी, जिसे मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, नेचुरली आप देख सकते हैं क्योंकि ये सी है, तो ये वाली डिस्टेंस L-H आ जाएगी, और ये एंगल मान ले थीटा है। तो आप देखिएगा, पर्पस क्या है, बुलेट की वेलोसिटी निकालना फिलहाल, या और कोई चीज निकालना है तो हम इक्वेशंस बनाएंगे। ये इससे टकराया, टक्कर के तुरंत बाद इस सिस्टम की, देखो इस ब्लॉक की और बुलेट की वेलोसिटी वी थी, इसकी वजह से यहां जाके रुक गया। तो अब अगर आपसे मैं कहूं कि क्या क्या इक्वेशन बन सकती है, तो टक्कर हुई, टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे में स्टिक कर गए, इसका मतलब ये परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है, क्योंकि परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में बेटा क्या होता है, टक्कर के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे में चिपक जाती है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि क्या किया जाए, तो देखिएगा, हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले लगाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखिएगा, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑब्वियस बात, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल का मतलब बेटा टक्कर से पहले, देखो टक्कर से पहले क्या, ध्यान दीजिए, इसका मोमेंटम है M1 U1, इस ब्लॉक का क्या है M2 U2 0 है, तो यानी M2 into 0,
इक्वल टू टक्कर के बाद, देखो टक्कर के बाद ये नहीं है बेटा, ये कि जस्ट आफ्टर कोलिजन ये बुलेट और ये ब्लॉक दोनों वी स्पीड से चलना शुरू हुए, तो टक्कर के बाद मोमेंटम है एम वन प्लस एम टू बोथ आर मूविंग विद स्पीड वी, ये हुआ। तो अगर मान ले हमें एम वन सॉरी यू वन निकालना है, तो यहां से अगर हम सिंप्लीफाई लें, सिंप्लीफिकेशन करें, तो एम वन एम टू अपॉन एम वन इंटू वी आया। तो सपोज हमारा पर्पज U1 निकालना ही है, तो पहले ही क्वेश्चन आ गया, तो मन में आएगा कि सर ये अगर मास, ये मास, ये मास दिए हुए हैं, यानी M1 M2 मास अगर दिए हैं, तो V की वैल्यू निकाल दे रख दे, आंसर आ जाएगा। अब हाउ टू फाइंड आउट वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, कैसे भी निकाले, तो बेहतर है बताया बेटा अगर ये यहां से बी तक एच हाइट तक जाता है, इफ सिस्टम सिस्टम के मतलब ध्यान रखिएगा ये वुडन ब्लॉक है बेटा, ये लकड़ी का ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक से में सिस्टम आया, मूव्स वर्टिकली अप टू हाइट, अप टू हाइट एच, एच तक जाता है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड बी, ए और बी पे लगा रहे हैं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए का मतलब यहां, बी का मतलब यहां, तो देखिएगा के ई प्लस पी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें एट ए इक्वल टू के ई प्लस पी एट बी। देखो ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मास एम टू प्लस एम वन और वेलोसिटी बी, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वन प्लस एम टू वी स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि आपको पता है जब दो पॉइंट दिए जाते हैं एक नीचे हो एक ऊपर हो, तो नीचे वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा जीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम वन प्लस एम टू, तो ध्यान रखिएगा ये जीरो ये आ जाएगा मास, तो पता पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही है जी एच, जी एच ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ, तो देखो v का टू अंडर रूट टू जी एच आता है, आप इसे डायरेक्ट अगर याद रहे तो उससे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब कोई चीज वेलोसिटी से h हाइट पे आके रुक जाती है तो ऑब्वियसली v का टू अंडर रूट टू जी एच होता है, बिकॉज इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो यही आएगा, ठीक, v की वैल्यू उठाओ यहां रख दो क्वेश्चन आ जाएगा, तो देखिएगा देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज एम वन प्लस एम टू upon m1 and that is under root 2gh, yeah। तो बेटा ध्यान रखिएगा इसे स्टार इक्वेशन लिख दें, अगर ये हाइट h दिया है यहां रखिए m2 m1 रखिए आंसर निकाल लीजिए, अगर आपको लगता नहीं सर v ही हमें दिया होता तो इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल करके वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालिए, अब अगर ना v दिया है ना h दिया है, इन्होंने थीटा दे दिया थीटा और एल दे दिया, तो अब ध्यान रखना एच भी ना दिया है भैया, थीटा दिया एल दिया है, तो क्या करें, आप ऐसा करो कि एच को थीटा और एल में कन्वर्ट करो, इसके लिए बड़ा होता है कोलिजन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी लगाया, आंसर आ गया क्योंकि दोनों चीजें कंजर्व रहती है। अब तुम कहोगे सर हाउ टू इंट्रोड्यूस वी थीटा एंड एल, मैथमेटिक्स आप आइए, ट्राइंगल देखो एस सी बी कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लगाइए आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेटा, हम यहां पर एच को हटा के एल की और थीटा की एंट्री कराने जा रहे हैं, तो ये पोर्शन मैं हटा देता हूं, क्या करूं, तो अब आप क्या लिखोगे, नाउ इन ट्राइंगल एस सी बी, एस सी बी अगर आप देखो तो cos थीटा इक्वल टू क्या है, बेस बेस बेटा ये है यह है ये एल माइनस एच अपॉन हाइपोटेन्यूज ये एल, तो देयरफॉर एल cos थीटा इक्वल टू एल माइनस एच, तो आप यहां पे देखें तो h कितना आ जाएगा, h इक्वल टू एल वन माइनस cos थीटा आया, ये h की वैल्यू उठाइए और यहां पे रख दीजिएगा, देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स इक्वेशन स्टार हो जाएगा u1 इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1, ये आ गया और अंडर रूट टू जी एच की जगह ये लिख दो एल वन माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आ गई। आप देखो अगर आपको एल और थीटा दिया है बेटा
अगर एलो थीटा दिया है, इस्तेमाल करो भाई इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे बैलिस्टिक पेंडुलम कहते हैं। ये वुडन ब्लॉक होता है जिससे कि जो कोई बुलेट है उसमें जाके धंस जाए और पूरा सिस्टम ऊपर जाए, इससे आप वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई अननोन हो उसे भी आप निकाल ही सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया बैलिस्टिक पेंडुलम। ठीक, अब थोड़ा सा बेटा आप इसे कर लो। कुछ बच्चों ने कहा कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स करा दीजिए, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, तो हम थोड़ा सा बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना चाहते हैं। आप इसे नोट कर लो बेटा, एंड गिव बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेटा जो लॉ है ये हम हर जगह पर अप्लाई करते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी कि हर तरह की एनर्जी इसमें जोड़ेंगे। अगर किसी तरह की डिसिपेटिव एनर्जी है तो उसे भी कंसीडर करके हमें लेना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब एनर्जी को ना तो बेटा आप खत्म कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली। इसका सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, या एक से मीडियम से दूसरे मीडियम में हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात करें, इसके प्रूफ की बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं। वो टेंथ लेवल पे आपने ग्रेविटेशन वाले में प्रूफ इसका देखा होगा, उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम इसमें और आए तो हम इसमें का सवाल ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, ऐसे एक ब्लॉक लिया है, ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास 2 m है। इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k है, ये ऐसे नेचुरल स्टेट में रखा है। एक मास है, ये मास m है, यानी पार्टिकल मास m का है। ये v0 स्पीड से आता है। ये सरफेस स्मूथ है, देखो ये सरफेस को इन्होंने बोला स्मूथ। तो कहते हैं कि ये बॉल जब वी नॉट स्पीड से आता है, ये ब्लॉक 2m से टकराता है एंड स्टिक टू इट, द फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का कंप्रेशन पूछा है। तो देखिएगा, ये स्मूथ है, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो इन्होंने क्या बोला है, मास m स्टिक्स विद 2m, मतलब ये m इसके साथ स्टिक कर जाता है आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो ऑब्वियसली जब ये इसमें स्टिक करेगा तो इसको कुछ अपनी गति देगा, तो ये पूरा सिस्टम जाके कंप्रेस होगा। तो कहते हैं बताइए स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, देन फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब होता है जब ये दबा करके स्प्रिंग को एक जगह जाके खुद रुक जाए। मैक्सिमम तभी हुआ जब वो सिस्टम जाए और दबा के स्प्रिंग को रुक जाए। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक, इसका मतलब है बेटा हमें यह पहले पता चल जाए कि टक्कर के बाद जब यह इसमें चिपक गया तो कंबाइंड सिस्टम की क्या वेलोसिटी है। इसका मतलब टक्कर, हम वर्ड यूज करें ना, टक्कर मतलब कोलिजन हुआ, तो पहले तो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम चलो, तो आप पहले ये चलो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं पता है पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, इनिशियल ध्यान रखिएगा, इनिशियली ये रेस्ट में है क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट में है, सिर्फ ये मोमेंटम एम वी नॉट। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम वी नॉट इक्वल टू, टक्कर के बाद क्या हुआ, मान ली ये गया इसमें चिपक गया, और टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी सपोज ये आ गई, मैंने कह दिया वी है। तो पहले अगर ये बात कर दें, लेट ये सोल्यूशन हमने यहां से अगर डाला यहां है, लेट वेलोसिटी आफ्टर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, चलिए स्पेस ही ले लेते हैं, देखो लेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड सिस्टम आफ्टर
collision is V. By law of conservation of linear momentum, अगर आप लगाएं तो क्या कहता है, P initial equal to P final, ये आता है. P initial क्या है बेटा, देखो m v naught, ये P final क्या हुआ बेटा, देखो अगर इसमें ये चिपक गया, देखो ये इसमें भी चिपक गया m, और v speed से चला, तो ध्यान रखना मास क्या हो जाएगा 3m. मैं फिर बताऊं, ध्यान दीजिएगा, इसका मास 2m और ये इसके अंदर चिपक गया 3m, और वेलोसिटी v है. mm कैंसिल कर दीजिए, इसका मतलब वेलोसिटी v इक्वल टू v नॉट बाई 3 होगा. तो टक्कर के बाद ये वेलोसिटी आ गई. ठीक है बेटा, अब तो आसान हो गया. देखो ये सिस्टम इतनी वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ेगा तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी वजह से स्प्रिंग को दबाएगा. मान ले स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स होता है जहां वो रुकता है, तो लिख लेट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इज एक्स. अगर मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग एक्स है तो आपको ध्यान है बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो देखो के ई प्लस के ई ऑफ मास इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी. इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या आएगा बेटा, देखिएगा हाफ एम प्लस टू एम इंटू ये वी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां एक्स आपको पता करना. ये साफ हो गया. तो अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो देखो थ्री एम वी की वैल्यू लिख दो वी नॉट बाई थ्री का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये आया. तो ये बेटा थ्री एम वी नॉट स्क्वायर बाई नाइन आया. देखिएगा इसे बेटा 3m v नॉट स्क्वायर बाई 9 आया, ये इससे कैंसिल होगा 3 आया इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. तो यहां पे फिर से देखो बेटा m v नॉट अपॉन बाई 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. हमें x चाहिए, थोड़ा सा यहां स्पेस लेके इसे सॉल्व कर डालो, तो देखो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन थ्री के. ऑब्वियसली बात एक्स जो मैक्सिमम कंप्रेशन है दैट विल इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन थ्री के का अंडर रूट. तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट एम अपॉन थ्री के. ये मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, एक्स की ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. ठीक है बेटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले ले, पॉज ले करके आगे भी कर सकते हैं. ठीक, क्वेश्चन ये है, अ मास ऑफ 0.5 केजी मूविंग विथ स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ये दिया है, कोलाइड्स विद अ वेटलेस स्प्रिंग, कोलाइड्स विद वेटलेस, हम लोग स्प्रिंग को वेटलेस ही मानते हैं, वेटलेस स्प्रिंग of force constant 50 newton per meter से टकराती है. मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. ये तो बड़ा आसान है बेटा, इसमें देखो इन्होंने ऐसे दे रखा, जैसे हम अगर इसका सोल्यूशन में ही डायग्राम बनाए तो आप कैसे बनाओगे. इन्होंने हालांकि क्वेश्चन में दे रखा डायग्राम, बना ही लेते हैं. इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, इन्होंने कहा है कि ये एक स्प्रिंग है बेटा, ऐसे अपनी नेचुरल स्टेट में रखी है और एक बॉल आती है. देखो ये बॉडी है, बॉल है जो भी, मानो फ्रिक्शन लेस सर्फेस है, इसका मास कुछ दे रखा है 0.5 kg, ये वी स्पीड से आती है और इससे टकराती है, जब टकराएगी तो स्प्रिंग को दबाएगी. तो इसमें कोई कोलिजन वाला नहीं कि ये किसी मास से टकराए, क्योंकि ये तो मासलेस है. तो अगर आप यहां मान लीजिए लेट सॉल्यूशन में आए तो लिखो लेट स्प्रिंग
is compressed by x. ये तो x मैक्सिमम कंप्रेशन है, मतलब जब ये इससे टकराए और स्प्रिंग को कंप्रेस करके रुक जाना चाहिए. मैक्सिमम की पहचान कैसे करोगे, वो जाके रुके. ठीक है, देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप देखो बेटा क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास, क्योंकि मास के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है बेटा, क्योंकि सेम सरफेस से मूव कर रहा है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास क्या है, अगर आप देखो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, पता हमें एक्स करना, तो आप बताइएगा, तो इसलिए एम वी स्क्वायर अपॉन के इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाई के, तो एक्स इज इक्वल टू बी अंडर रूट एम अपॉन के आएगा. ध्यान रखना इसमें पिछले जैसा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा रहे, आपको लगे सर फर्क क्या है, पिछले में क्या था, यहां पर भी एक मास लगा था और जब ये टकरा रहा था तो उसके बाद उस मास में भी गति आती थी, यहां बेटा ये स्प्रिंग मासलेस है, तो कोई ऐसा कोलिजन टाइप का नहीं है. वी कितना है, वी बेटा इन्होंने दे दी 1.5, अंडर रूट एम कितना है 0.5, के कितना है बेटा 50. सिंप्लीफाई करना, ये हटाओ तो एक जीरो और यहां आएगा, ये इससे कैंसिल होगा 100 आएगा, तो आप देखिएगा x कितना आ जाएगा, x आएगा 1.5, अंडर रूट बेटा 1/100 है, 100 का अंडर रूट 10 आएगा तो 1.5/10, तो 0.15 मीटर आएगा. ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, आप इसे x मैक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जगह जाके वो रुक जाएगा. ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन स्प्रिंग पे लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के मन में स्प्रिंग को क्वेश्चन को लेकर के कुछ डाउट्स भी होते हैं, तो इसलिए स्प्रिंग को लेकर के चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन और ले रहा है स्प्रिंग रिलेटेड ही है. देखो एक इंक्लाइन प्लेन इन्होंने बनाया है, ये इस पे इन्होंने एंगल ऑफ 45 डिग्री दे दिया है, यहां पर एक सपोर्ट दिया है ये ऐसे, और एक स्प्रिंग इन्होंने लगाई है, ये स्प्रिंग यहां लगी हुई है बेटा, ये स्प्रिंग, और यहां से एक मास जो है वो इन्होंने रिलीज किया है. देखो ये मास ये रिलीज किया है, एम की वैल्यू अंडर रूट 2 किलोग्राम, तो इसका मास अंडर रूट 2 किलोग्राम है, ये दिया है. क्वेश्चन में कहते हैं क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास रूट 2 केजी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, तो रिलीज है दिया इन्होंने, ये ब्लॉक दिया है, अ ब्लॉक ऑफ मास रूट 2 केजी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के इतना दे रखा है, ये ब्लॉक यहां टकराता है. आगे दिया है कि इफ ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेशन द स्प्रिंग By 1 meter, मतलब ये ब्लॉक आता है स्प्रिंग को 1 meter कंप्रेस करके रुक जाता है, तो इन्होंने पूछा है then find out the distance traveled by the block, find out the distance traveled by the block before stopping. रुकने से पहले उसने कितनी दूरी तय की, ये हमें बताना है. ठीक है, तो अब आप एक चीज बताइएगा, ये ब्लॉक देखो यहां आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, इसको दबाएगा, तो इसको कितना दबाएगा ब्लॉक, इसको दबाएगा बेटा एक्स इक्वल टू 1 meter दिया है इन्होंने, एक्स इक्वल टू 1 meter दिया, तो जब ब्लॉक ऊपर से यहां तक आएगा तो उस समय उसकी जो पोटेंशियल, आप देखो बेटा ब्लॉक ऊपर से यहां था, यहां इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी. अब आपको अगर क्या, आप ये पहले क्वेश्चन लिख लो, तो थोड़ा सा मैं यहां जगह बना के इसी डायग्राम में बताता हूं, तो आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को और फिर मैं यहां बता रहा हूं. देखो सोल्यूशन में ये मान लोगे क्या, एक्स इक्वल टू 1 meter दिया है, एक्स जानते क्या है, जितना ये कंप्रेस होता है, देखो 1 meter दिया है, मास ब्लॉक का दे रखा है एम इक्वल टू रूट 2 दे रखा है, थीटा इन्होंने 45 दे रखा है,
और के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, ये के को दे रखा है इन्होंने 100 न्यूटन पर मीटर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्लॉक की यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप कहोगे वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी क्या है, तो अगर आप मान लीजिए ब्लॉक नीचे इसको एक्स कंप्रेस करता है, अब ज्यादा ध्यान देना, जब ये ब्लॉक नीचे इसको एक्स कंप्रेस करता है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर बढ़ती है। तो अगर मैं तुमसे कहूं इस ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल है वो किस चीज में किया गया, तो आप कहोगे कि सर इसका इस्तेमाल किया गया है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो एक काम करते हैं, मान ले इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ये मान ले स्प्रिंग ऐसे थी, ध्यान रखिएगा स्प्रिंग पहले यहां तक थी और ये ब्लॉक आया और स्प्रिंग को यहां तक कंप्रेस कर दिया। मैं ऐसे डायग्राम बना रही है, तो यानी स्प्रिंग मान लो बेटा पहले यहां तक थी, एक्स कंप्रेस हो गई और एक्स की वैल्यू 1 मीटर है, तो ब्लॉक ने पहला काम क्या किया, इस स्प्रिंग को यहां से यहां तक दबा दिया। दूसरा, उसने खुद ये कुछ दूरी तय की, ये उसने कुछ दूरी भी तय की, ये दूरी इसने तय की, इसे हम मान लेते हैं y के बराबर है ये, और इसकी कुछ हाइट रही होगी। अगर आप देखो हाइट हम अपनी तरफ से मान दे रहे हैं कि ये हाइट अगर यहां तक आया तो ये हाइट जो है अगर आप देखो ये h के बराबर, ये तो देखो ब्लॉक अगर यहां से खिसक के, इसे a मान लो, ये B पे स्प्रिंग पहले यहां तक थी बेटा, इससे टकराया और इसको X कंप्रेस कर दिया, X की वैल्यू 1 मीटर दे रखी, इन्होंने कहा ये 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हमने H माना। देखो ये 45 है, ये इतना, तो आप अब जरा ध्यान रखिएगा, ये ब्लॉक A से खिसकेगा यहां तक आके, अगर ये रुक जाता है तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने लिखा लेट ब्लॉक comes in contact of a spring at C, C पर आया और फिर स्प्रिंग को उसने X कंप्रेस किया, ठीक। तो ध्यान रखो बेटा, इसका नीचे आने में जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, तो आप देखिएगा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू गेन ऑफ स्प्रिंग या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग बेटा कंप्रेस भी, और कंप्रेस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं तुम्हें बताऊं जरा ध्यान रखना, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या होगा, एम जी एच, देखो इसका मास m है, ये जब यहां से यहां तक आएगा तो ये h हाइट नीचे आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान एम जी एच होगा, दैट विल बी ऑब्टेनड हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। हम एच निकालेंगे पहले, बाद में हम वाई की चर्चा कर लेंगे, या वाई छोड़ो हो सकता है हम सीधे यहीं तक यही निकाल लें ये कितना आया। तो अब आप ध्यान रखिएगा, इवन आप चाहें तो ऐसा कर लें, ये वाई लिखा है, आप ऐसा करो कि यहां से यहां तक जो वाई प्लस एक्स है, एक चीज और लिख देना, वाई प्लस एक्स जो है, एक्स की वैल्यू 1 है, इसे अगर हम मान लेते हैं वाई डैश है, तो हम y डैश निकाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये ब्लॉक रुकने से पहले टोटल कितनी दूरी तय करता है, तो y प्लस एक्स ही तो है, तो हम वो करेंगे। तो आप देखिएगा एम जी एच आया, निकालिए m की वैल्यू √2 है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, h जो है पता नहीं है, हाफ है, k कितना है 100 है, और एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 थी, 1 स्क्वायर, ये 50 आएगा, ये भी इससे कैंसिल हुआ, तो देखो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/√2। ये इतनी वर्टिकल में, मतलब जब ये यहां से यहां तक आएगा तो वर्टिकल में इतनी दूरी नीचे आएगा। अब आप बताइएगा एच अगर आपको पता चल गया तो आप एक काम करना, नाउ इन ट्रायंगल देखो ये बेटा ए है, ये बी है और इसे डी मान लेते हैं, ए बी डी, देखो ये एंगल 45 है, तो बताइए साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहां तक ये जो हाइपोटेन्यूस और ये डिस्टेंस है वाई प्लस एक्स, तो देखो साइन 45 इक्वल टू एच अपॉन वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स को ही हमने वाई डैश माना है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू एच की वैल्यू 5/√2 अपॉन y डैश लिख दीजिए, क्योंकि बड़ा ध्यान रखिएगा इन्होंने यही दूरी पूछी यहां तक, जिसको हमने अपनी सुविधा के लिए y डैश मान लिया।
ये इससे कैंसिल होगा, तो देयरफॉर वाई डैश इक्वल टू 5 मीटर, यानी ब्लॉक को रुकने से पहले 5 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज एक काम करते हैं कि अभी इसमें हम तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कलेक्टिव क्वेश्चन तो आगे बहुत सारे करा देंगे, आप चिंता ना करें, और अभी धीरे धीरे चैप्टर पूरा करें, और पावर के बारे में भी बात करनी। पावर पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि पावर, मैकेनिकल पावर ऑफ इंजन और मशीनरी। तो बेटा अगला जो लेक्चर होगा इस क्लास के बाद वाला, वो पावर पर होगा, और उसके बाद रिबाउंडिंग ऑफ अ बॉल, रिबाउंडिंग पढ़ लोगे तो कुछ सवाल सीधे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एक लेक्चर पावर में हम लोग पावर और उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, और फिर रिबाउंडिंग उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।